हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है राजस्थान का अपतंत्र, जिसके अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख झीलें हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारी तीसरे नंबर की झील है फतेह सागर झील, जो कि मीठे पानी की झील से संबंधित है। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे अपन राजस्थान का अपवाहतंत्र। और राजस्थान के अपवाहतंत्र में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, और ये जो झील है वो मीठे पानी की झील से संबंधित है। मीठे पानी की झील से संबंधित है, और जिसमें तीसरे नंबर की जो झील है वो है फतेह सागर झील। देखिए, इस झील की विशेषता ये है, पहले तो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, यह है उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, मतलब ये उदयपुर में है और मीठे पानी की झील है। बात कर लेते हैं इसके निर्माता की, किस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था, तो निर्माता का पॉइंट डाल लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो निर्माता थे, शुरुआत जिसने की थी वो महाराणा जयसिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा जयसिंह ने निर्माण कार्य करवाया। लेकिन अगर मैं बात करूं पुनर्निर्माण कार्य की, तो महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कार्य किया। लिख देते हैं पुनर्निर्माण कार्य, और पुनर्निर्माण कार्य किसने किया? महाराणा फतेह सिंह, या हम कह सकते जिसके नाम पे ये झील भी है। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह। अगली बात समझ में, मतलब अगर मैं निर्माता की बात करूं, मतलब शुरुआत जिसने इस झील के निर्माण की कार्य की स्थिति चालू की थी वो तो जयसिंह थे। लेकिन अगर मैं बात करूं पुनर्निर्माण, ठीक है, एक बार तो निर्माण कर चुके जयसिंह, लेकिन अगर पुनर्निर्माण की बात करूं तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ये निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन से समय में किया गया, तो निर्माण काल की बात कर लेते हैं। काल मतलब समय, तो बता दूं आपको मैं, शुरुआत जब हुई थी 1966 ईस्वी में, तो जब करवाया था किसने? जयसिंह ने। ठीक है, 1688 ईस्वी में। ठीक है, ये तो करवाया था किसने? जयसिंह, महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, और दूसरा अगर मैं पुनर्निर्माण की बात करूं तो ये हुआ था 1888 के अंदर। ठीक है, 1888 में ये काम किया किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। ठीक है, अलग अलग महाराजा हुए और इन्होंने शुरुआत की और इन्होंने पुनर्निर्माण कार्य करने का कार्य किया। ठीक है, अब देखिए किस नदी पर, नदी की बात कर लेते हैं, कौन सी नदी है जिस पर यह झील बनी, तो बता दूं आपको सीसारमा, और एक आपकी नदी है भुरजा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। ये दोनों नदियां जो है इस झील का निर्माण कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी विशेषताओं की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। फतेह सागर झील जो है ये उदयपुर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। निर्माता की बात करें तो अगर मैं निर्माणकर्ता की बात करूं तो महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कार्य किया था। लेकिन अगर मैं पुनर्निर्माण की कार्य करूं, मतलब एक बार निर्माण हो चुका उसके बाद फिर से उसका निर्माण कार्य, उसमें थोड़ा सा भव्य रूप देना, ऐसा कुछ काम किया है, तो वो किया महाराणा फतेह सिंह ने। अगर मैं निर्माण के काल की समय की बात करूं तो शुरुआत जब हुई थी महाराणा जयसिंह ने की थी, वो की थी 1688 ईस्वी में। लेकिन अगर मैं बात करूं पुनर्निर्माण की, ठीक है, पुनर्निर्माण की बात करूं तो उसका समय जो था वो 1888 का था, जो कौन से राजा ने किया? महाराणा फतेह सिंह ने किया। और किस नदी पर स्थित है ये नदी? सीसारमा और भुरजा नदी के ऊपर ये झील मौजूद है। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए, अब बात करेंगे विशेषताओं की, यहां तक उतार लीजिए। देखिए, फतेह सागर झील जो है इसकी पहली विशेषता क्या, सुन लीजिए। एक उद्यान है नेहरू उद्यान,
वो इस झील के मध्य में स्थित है, पहली विशेषता, ठीक है, इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है, ये इसकी पहली विशेषता है कि यहां पर इस झील के बीचों बीच एक मध्य एक क्या है उद्यान, और उस उद्यान का नाम क्या है नेहरू उद्यान। देखिए फतेह सागर और पिछोला झील के बीच में एक चैनल, मैंने बताया था आपको, उस चैनल को बोलते हैं स्वरूप सागर, ठीक है, लिख देंगे इसको भी विशेषता नंबर दो, फतेह सागर व पिछोला झील के मध्य एक चैनल है। चैनल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, उसे स्वरूप सागर कहते हैं। कौन सा सागर कहते हैं? स्वरूप सागर कहते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे मान लीजिए ये आपका पिछोला झील है और ये आपकी कौन सी झील है फतेह सागर, तो दोनों के बीच में एक चैनल है जुड़ा हुआ है और यही चैनल कहलाता है स्वरूप सागर। क्लियर, आगे सुनिए और विशेषता क्या है। इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला स्थित है, सौर वेधशाला जहां पर सूर्य की किरणों से संबंधित कई जानकारी है, या टेलीस्कोप से संबंधित जो दूर की वस्तु पास देख ले, ऐसे व्यवस्थाएं जो है इस झील के किनारे मौजूद है, ठीक है, इस झील के किनारे टेलीस्कोप व सौर वेधशाला स्थित है, मतलब जहां पर टेलीस्कोप जानते हो ना जो बहुत दूर चंद्रमा को पास करके देख ले, और सौर वेधशाला आप जानते हैं जहां पर सूर्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की स्थिति, वो यही दो शालाएं जो है वो यहां पर मौजूद है इस झील के किनारे पर। इस झील के पास में वर्चुअल फिश एक्वेयर्स, मतलब जो मछली का संबंधित उत्पादन जिस कह सकते हैं मछली पालन हम कह सकते हैं, वो भी इसके झील के किनारे पर मौजूद है। ये अगली विशेषता, इस झील के किनारे कौन सा वर्चुअल फिश एक्वेयर्स, वर्चुअल फिश एक्वेयर्स, ठीक है, वर्चुअल फिश एक्वेयर्स स्थापित है, ठीक है, जहां पे मछली उत्पादन या पैदा करने का कार्य यहां पर होता है। पिछोला और फतेह सागर झील जो है एक राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में भी शामिल है, मतलब यहां पर इस झील को एक संरक्षण परियोजना मिली हुई है कि यहां पर कोई भी यहां पर छेड़छाड़ इस झील के साथ में नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। कौन कौन सी झील? एक तो पिछोला झील और एक फतेह सागर झील, ये दोनों राष्ट्रीय, मतलब देश की परियोजना है ये, राष्ट्रीय झील संरक्षण, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है, मतलब ये राष्ट्रीय झील संरक्षण का तात्पर्य होता है एक ऐसी परियोजना जो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आती है, दायरे में आती है, जहां पर इस झील को किसी भी प्रकार का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से ये विशेषताएं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। इस झील के मध्य में एक नेहरू उद्यान स्थित है, फतेह सागर और पिछोला झील के मध्य में एक चैनल है, दोनों झीलों को जोड़ने वाले चैनल को कहते हैं स्वरूप सागर। इस झील के किनारे पर टेलीस्कोप और शोध वेधशाला स्थित है। इस झील के किनारे पर वर्चुअल फिश एक्वेयर्स स्थापित है, मतलब मछली पालन का कार्य। पिछोला और फतेह सागर झील, ये दोनों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है, जिससे ये झील सुरक्षित है। अब एक बार मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, उसके अंदर आपके समझ में आ जाएगा। भैया ये तो आपकी अरावली पर्वतमाला है, जहां से दो नदियां निकलती है, एक तो आपकी सीसा रमा और एक है बुरझा, ठीक है, निकली ये आपकी भैया झील हो गई। इसको बोलते हैं कौन सी झील? आपकी इस जगह है पिछोला झील। सुनिए अब, ये आपकी पिछोला झील है, ठीक है, और इस झील से एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल कौन सा है?
स्वरूप सागर, और यहां पर जो झील है ये आपकी है फतेह सागर झील। ये झील यहां पर मौजूद है, इस चैनल से जुड़ा हुआ। आपको बता दूं यहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैंने बताया जैसे कि ये भाग जो है ये शोर वेध शाला वाला पार्ट है, आगे बात समझ में, मतलब जहां पर सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा यहां पर फिश के बने हुए टैंकर बने हुए इस जगह कोने में, तो ये कौन सा है, ये है वर्चुअल फिश एक्वेरियम, ठीक है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम, ठीक है, ये यहां पर मौजूद है इस जगह। इसके ठीक ऊपर शोर वेधशाला मौजूद है, एक देवली तालाब भी यहां पर मौजूद है, और बीचों बीच मैंने बताया आपको इस जगह ये है नेहरू उद्यान, ठीक है, और यहां पे इस जगह यहां पर एक देवली तालाब यहां पर मौजूद है। समझ में आई बात, इस तरीके से इसका इसकी व्यवस्थाएं हैं इस झील की। और ये झील कौन सी है, ये फतेह सागर झील है, और फतेह सागर से झील से जुड़ा हुआ भाग जो है वो पिछोला झील है। समझ में आई बात, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। ये जो मीठे पानी की झील है जिसमें मैंने फतेह सागर झील जो है इसकी यही विशेषता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यही पूछे जाते हैं कि भाई इसके ये झील कहाँ पर मौजूद है, उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। सबसे पहला निर्माता जय सिंह था, पुनर्निर्माता फतेह सिंह था। पहला निर्माता जिसने काम किया काल था वो 1988 का था, फिर निर्माण किया पुनः वो 1888 था, ठीक है। कौन सी नदी पर, सीसारमा और बुर्जा नदी, पीछो बीच नेहरू उद्यान है, और फतेह सागर पिछोले साल को झील को जोड़ने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं स्वरूप सागर। किनारे पर टेलीस्कोप और शोध वेधशाला मौजूद, वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थापित है। इसके अलावा पिछोला और फतेह सागर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर इसको शामिल किया गया। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।